कैप्शन देख के आई नो आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, भाई ये कोई नई रिसर्च आ गई कि कॉफ़ी ने रंग काला कर दिया और कॉफ़ी करती है पिंपल्स? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को जितने भी मसले मसाइल हैं कॉफ़ी रिलेटेड, जितने भी आप लोगों ने कभी मसले या बातें या सवाल सुने होंगे, मिसकंसेप्शन सुने होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से ही पूछा था कि भाई मुझे बताएं आप लोगों ने कॉफ़ी से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा एब्सर्ड और वियर्ड बात क्या सुनी है। भाई उन्हीं पे बनी है आज की वीडियो और वही हम करेंगे आज डिस्कस, ताकि आप लोगों के मिसकंसेप्शन कॉफ़ी रिलेटेड थोड़े क्लियर हो जाएँ। पहले पे ही आते हैं, कॉफ़ी से होता है रंग काला। जनाब कॉफ़ी से रंग काला नहीं होता, ये तो गई मैदे में और बाद में सिस्टम से आउट। ये जा के आपके कलर पिगमेंट्स जहाँ जो आपके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक स्पेसिफिक रंगत देते हैं, वहाँ तक इसका पहुँचना नामुमकिन है। आप बेफिक्र होकर कॉफ़ी पिएं। फिर उसके बाद आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जो छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं ना उनको पीने नहीं दी जाती कॉफ़ी। तो आई एम 23 ईयर ओल्ड, अगर मैं कॉफ़ी पीऊँ तो पिंपल्स तो नहीं होंगे? और मैं बेसिकली और स्पेसिफिकली इसी एज की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई पिंपल्स ना निकले चेहरे पे किसी भी तरह से। तो यकीन जानिए कॉफ़ी जो है इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये एक आम ड्रिंक के तौर पर यूज़ होता है। हमारे यहाँ ज़रा परेशान होकर लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई कॉफ़ी है कुछ कर देगी। कॉफ़ी का पिंपल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़रूर सोचें कि अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं क्या पता आपकी डाइट में चर्बी बहुत ज़्यादा हो, क्या पता आपकी डाइट में चीनी बहुत ज़्यादा हो जिसका आप ध्यान रख रहे हो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं ये ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं पिंपल्स की तरफ या स्किन की जो है हेल्थ ख़राब करने के लिए। तो इन पर ज़रूर तवज्जो दें अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो जाती है कॉफ़ी पीने से, क्या ये सच है? जिगर की गर्मी एक बड़े मज़े की टर्म है। मैंने नोट किया पाकिस्तान में किसी को कुछ समझना ना आए कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हम कहते हैं जिगर में गर्मी हो गई है। तो जिगर में गर्मी कॉफ़ी नहीं करती, जिगर की गर्मी या जिगर के मसाइल एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा लंबा और वास्ट सब्जेक्ट है। देखिए अगर जिगर जो है जिसको फैटी लिवर कहते हैं, जिगर पे चर्बी आना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है पाकिस्तान में। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं कुछ जिगर की कि इन्फेक्शन हो जाता है और जिगर ख़राब हो जाता है। इवन जो यरकान वगैरह हैं ये इनका कॉफ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जो फैटी लिवर है सबसे छोटी और आसान या कह लें बीमारी, वो भी चर्बी खाने से होती है। तो कॉफ़ी जिगर तक पहुँच के क्या करे, आई डोंट गेट इट, ठीक है। इसलिए परेशान मत हो, कॉफ़ी कुछ नहीं करी, जिगर तक नहीं पहुँचेगी। जिगर इतना कोई सूखा ऑर्गन नहीं कि ऐसे कोई चीज़ गिर ऐसे ख़राब हो गया आपके हाथ में आ गया, ठीक है। फिर वही चीज़, कॉफ़ी से कलर डार्क होता है। जनाब कलर डार्क होता है सनस्क्रीन ना लगाने से, कॉफ़ी से नहीं होता। अच्छा, अगर मैं गर्मी में कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं होगी? ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी हो, मैंने कहा है आपको कि कॉफ़ी जो पिए ना तो पानी भी आपने अच्छा पीना है। कॉफ़ी पीने के साथ जो लोग पानी अच्छा नहीं पीते उन लोगों को कॉफ़ी से ज़रूर उलझन होना शुरू हो जाती है। मतलब एक अनरेस्ट सी फीलिंग आती है बॉडी के अंदर, एक रेस्टलेसनेस ही रहती है कि भाई क्या पी लिया है जी उलझन। कॉफ़ी है डायूरेटिक इन नेचर, इसको मेडिकल टर्म में या आसान अल्फाज में हम इसे कहते हैं कि जिसम से पानी खारिज करती है। अब जिस बंदे ने पूरे दिन में या पूरा दिन ऑफिस से पानी नहीं पिया, घर को आके चार ग्लास पी लिया, फिर पी ली कॉफ़ी और चला गया वॉक पे, अब वॉक में उसका पसीना निकालना है, अब उसका कॉफ़ी ने पानी निकालना है, तो उसको बॉडी हो जाएगी डिहाइड्रेट, यहाँ से पानी की कमी होती है जिस्म के अंदर। कॉफ़ी का ताल्लुक नहीं है पानी कम करने से जिस्म के अंदर, ताल्लुक है आपका पानी ना पीना। एक आम बंदे को पाकिस्तान में, अब देखें 40 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम चल रहा है आजकल, ठीक है। अब इस 40 डिग्री में आप लोगों ने इवन एसी वाले माहौल में भी रहते हैं तो घर से निकल के गाड़ी तक बैठने में और गाड़ी को ठंडा होने तक पसीना आ जाता है। जो किचन में खवातीन काम करती है पसीना आ जाता है, फिर आप लोग पानी अच्छा नहीं पीते, तो ये है डिहाइड्रेशन का कॉज। कॉफ़ी डिहाइड्रेशन नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। ये लग रहा है किसी छोटे बच्चे ने कहा है, ये कोई टीनेजर होगा। मेरी मम्मा मुझे कॉफ़ी नहीं पीने देती, कहती है कि टीनेजर्स, हाँ टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स नहीं पीते। मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, एक दफ़ा एक रिसर्च थी उसके लिए मैंने ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना अंडर वन ईयर, बात गौर से सुनेगा, जो चंद माह के बच्चे होते हैं जो एक साल से बिलो होते हैं, उनका मैंने डाइट का असेस करना था कि वो लोग नॉर्मली जो थोड़े से एक तो है ना पढ़ी लिखी लॉट जो बिल्कुल जो जिनके वालदैन कॉलेज गोइंग या जिनके कोई एजुकेशन थी प्रॉपर। रिसर्च ये थी कि जिन पेरेंट्स ने एजुकेशन ही हासिल की हुई उनके जो है घरानों में किस तरह से बच्चों की प्रैक्टिसेस हैं, क्या खाते पीते हैं। लेकिन कीजिए, मैं एक घर गई, मैं दूसरे घर गई, मैं तीसरे घर गई, वो थोड़ा सा एक विलेज टाइप जगह थी, उसमें एक बच्चा जो है वो जो है पी रहा है फीडर में चाय डाल के, फिर एक माँ बता रही है कि मैं इसको नाश्ते में देती हूँ चाय और रस, फिर एक बता रही है ये खाता है स्नैक में चाय और बिस्किट। तो चाय इतनी एक कॉमन चीज़ है, इतनी आराम से इस्तेमाल की जाती है, तो जो बच्चा हम जो अवाम कहने का मकसद ये, जो इतने इतने बच्चों को चाय दे रही है, उनके टीनेजर्स को कॉफ़ी ने क्या कर देना है?
कॉफ़ी के अंदर बहुत ही जो हम लेते हैं ना लाइक 1 टीस्पून, इतना लो लेवल ऑफ कैफीन होता है और उस बॉडी थोड़ी अर्से बाद उसकी आदी हो जाती है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसको डाइट का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए थे कि लिवर के लिए अच्छी है, शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए अच्छी है, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, तो ऐसी चीज़ टीनेजर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीनेजर एक एडल्ट बंदा होता है, ठीक है, उसके लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या ब्लैक कॉफ़ी पीने से खून जल जाता है या खून में कमी हो जाती है? कॉफ़ी खून कैसे जलाएगी? जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा सा जो है काली है रंग है, इस बेचारी ने खून को क्या कर देना है? ये कुछ भी नहीं करती, इसने जाना है मैदे में और सिस्टम से हो जाना है आउट। इसने कुछ नहीं करना आपके जो है खून को, वह अंदर जाके कुछ भी ये ड्रेन नहीं करती आपका खून, ना इसको सुखाती है ना जलाती है। ये अजीब अजीब टर्म्स मैंने सुनी है, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो कॉफ़ी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके फैमिली में देखें शुगर आजकल एक इतना बढ़ता वर्ड है कि हर आपको घर में, कमेंट बिलो बल्कि आप मुझे बताएं क्या आपके घर में शुगर का कोई मरीज है जिसको डायबिटीज़ हो, और ये है हर एक घर में, यकीन कीजिए इट्स अ वेरी कॉमन बीमारी। और जिगर का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, उसके लिए कॉफ़ी मुफीद है, डायबिटीज़ हो उसके लिए कॉफ़ी मुफीद है, वेट लॉस के लिए कॉफ़ी मुफीद है। तो भाई ये बताइए, ये तो एक अच्छी चीज़ हुई ना, ये गंदी चीज़ तो ना हुई। इसलिए प्लीज़ जब भी मैं आपको वीडियो में कहती हूँ कॉफ़ी इस्तेमाल करें तो बिना चीज़ के इस्तेमाल क्या करें, बस पानी अच्छा कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग के दिमाग में अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बिलो जरूर बताइएगा, तो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बन जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।